इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान और हकूमत आमने सामने हैं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से बताया जाएगा कि हकूमत का अगला प्लान कौन सा है और तहरीक लबैक पाकिस्तान अगला लाए अमल क्या देने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अगर हकूमत की बात की जाए तो इस वक्त वफाक से ये खबरें सामने आ रही है कि हकूमत तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है और कुछ देर पहले एक इजलास भी हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और फाइनल जो अजलास है वो शाम तक होगा जिसमें हतमी तौर पर यह फैसला कर लिया जाएगा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ किस तरह के मुज़ाकरात करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान हकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। जी नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान हकूमत के साथ मुज़ाकरात तो करना चाहती है लेकिन हकूमत को मज़ीद टाइम देना नहीं चाहती। आप जानते हैं कि पहले भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हकूमत को बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया लेकिन हकूमत ने हर दफ़ा अपना वादा पूरा नहीं किया। हकूमत को यह मशवरा दिया जा रहा है कि किसी भी तरह जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान पर जुल्म ना किया जाए और तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को नुकसान ना पहुंचाया जाए, क्योंकि एक तो रबीउल अव्वल का महीना है, दूसरा ये कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को दीगर मजहबी जमातों की भी सपोर्ट हासिल है। अगर हकूमत कोई भी गुंडागर्दी करती है तो इसके नतज बुरे भी आ सकते हैं। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो मजलिस शुरा है वो किसी भी तौर पर हकूमत को टाइम नहीं देना चाहती। अगर आज मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का अगला लाए अमल ये होगा कि हो सकता है कि 23 तारीख तक तहरीक लबैक पाकिस्तान अगली डेडलाइन दे दे। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान अगली डेडलाइन नहीं देती तो तहरीक लबैक पाकिस्तान लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगी। तो नाज़रीन, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट रखा जाएगा। अल्लाह हाफिज़।